वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे करवा चौथ से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में। जैसा कि मेरी बहनें करवा चौथ के दिन सुबह से खाली पेट व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन उसके साथ में कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कर देती हैं, जिनकी वजह से उनको खुद भी उनके मन में एक संदेह हो जाता है कि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे कि करवा चौथ के दिन हमको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपने पति से उस दिन झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रोज़ भी झगड़ा करती हैं तो आप प्लीज़ उस दिन एक दिन के लिए थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप, क्योंकि भूखे पेट भी रहती हैं, तो आप थोड़ा शांत रहिए, उस दिन आप झगड़ा मत करिए। इसके साथ साथ आपको सुबह खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप अगर सरगी लेती हैं तो आप सुबह 3-4 बजे के करीब सरगी ले सकती हैं, या फिर अगर आप सरगी नहीं खाती हैं तो आप 12 बजे से व्रत रहती हैं तो आपको 12 बजे के पहले ही कुछ हेल्दी फूड्स खा लेना है। आपको जूस वगैरह ले लेना है, जिसकी वजह से आपको दिन भर एनर्जेटिक महसूस हो, आपको मतलब वीकनेस ना लगे। आप कुछ हेल्दी फूड ज़रूर खाइए, और ऐसा बिल्कुल भी मत खाइए कि बहुत ज़्यादा हैवी फूड तला भुना खा लीजिए, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरीके की गैस बने, या फिर किस मतलब कोई और भी उल्टी वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो, तो आप हल्का ही खाना खाइए और थोड़ा जल्दी ही खाइए। इसके साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आपको करवा चौथ वाले दिन, व्रत के दिन, आपको किसी भी पॉइंटेड चीज़ का यूज़ नहीं करना है, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, या कोई और भी सुई वगैरह हो गया, तो उसका आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप खाना बनाती हैं, आपको लगता है कि नहीं आपको यूज़ करना है, तो आप उस एक दिन के लिए अपने हस्बैंड से या अपनी सास से या अपनी ननद से किसी से भी कह के सब्जी वगैरह कटवा सकती हैं। आप खुद कोशिश यही करिए कि आप उसका प्रयोग ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टिप की कि आपको क्या नहीं करना। करवा चौथ के दिन आपको कोई भी काला या सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। सुबह से ही आपको लाल, पीला या मतलब आप कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन सफ़ेद और काले रंग को आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही अगर आपके पति आपको गिफ्ट देना चाहते हैं किसी तरह का, तो उनको भी ये चीज़ बोलिए कि वो सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र आपको गिफ्ट में ना दें। अगर उनको देना है तो वो किसी भी और कलर के गिफ्ट आपको कपड़े दे सकते हैं, लेकिन सफ़ेद और काले रंग को ज़रूर अवॉइड। इसके साथ ही अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप बाहर जाती हैं काम करने के लिए और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने जो भी ड्रेस वगैरह पहननी है पहले से वो डिसाइड कर लीजिए, और उसकी जो स्टिचिंग वगैरह है वो पहले से करके रख लीजिए। इसके साथ ही आपको मेहंदी ज़रूर लगाना है और पूरा श्रृंगार करना है। आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि आप मेहंदी ज़रूर लगाएं और अपना पूरा श्रृंगार करें, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो। अगर आपको करवा चौथ के दिन टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एक दिन पहले लगा सकती हैं रात में, या फिर आप 2 दिन पहले लगा सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि मेहंदी, पैर में आलता और पूरा श्रृंगार। बात करते हैं अगर आपका व्रत है और अगर आपके घर में कोई खाना खा रहा है, तो आप प्लीज़ उसके सामने मत बैठिए, और आपका मन बार बार क्योंकि होगा खाना खाने के लिए, आप भी सोचेंगे कि नहीं मुझे भी थोड़ा सा वीकनेस लग रही है या फिर चक्कर आ रहा है, तो आपको ये फील नहीं होगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसके साथ ही आपको मेडिटेशन 15 ही मिनट चाहे करिए चाहे आधा घंटा करिए, लेकिन आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है करवा चौथ वाले दिन। ऐसा करने से आपके अंदर एनर्जी लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा और आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। और इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस दिन अपने परिवार के साथ में और अपने पति के साथ में खास तौर से ज़्यादा समय बिताएं और खुशी से बिताएं। आपको किसी से फालतू की बहस नहीं करनी है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, शॉपिंग वगैरह करनी है या कुछ भी करना है, तो आप उसको 1 या 2 दिन पहले कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए अपना काम, ताकि आप करवा चौथ के दिन फास्ट जब आप कर रहे तो आप एकदम फ्री रहें, कोई भी टेंशन ना रहे आपको। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और मैं आप सभी के लिए यही दुआ करूंगी कि आपका करवा चौथ बहुत ही अच्छा इन्जॉय और करवा चौथ, एंड ये साल में एक ही बार आता है, तो खूब अच्छे से अपने पति के साथ में इसको एन्जॉय करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसे और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।